तो मेरे प्रिय छात्रों, आज का ये वीडियो अब आपको डेली से आपका जैसा एग्जाम पास में आ रहा, बहुत सारी क्लासें आप ले रहे हैं, अनएकेडमी भी क्लास ले रहे हैं, आप हमारे ऐप में भी क्लास ले रहे हैं, यूट्यूब की क्लास में लाइव भी आएंगे। इतना पढ़ने में आपको जो है क्लास में रिवीजन कैसे हो सकता है, कॉन्सेप्ट कैसे होंगे। सो मैंने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ा टाइम आपका ना वेस्ट कराकर आपको डेली दे के दो दो तीन तीन वीडियो आपको 10 10 15 15 मिनट के दें हम, और जिनमें आपके मतलब के कॉन्सेप्ट हों, जिनमें आपके मतलब के कॉन्सेप्ट हों। मेरी बात सुन रहे हो? जैसे आज का जो कॉन्सेप्ट है वो रैंक पे आधारित है, क्रमचय संचय में। कल हो सकता है फंक्शन पे आधारित हो, परसों हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी पे आधारित हो। तो बहुत बड़ा पार्ट ना होकर छोटे छोटे पार्ट को हम बांट दिए हमने, उससे क्या होगा आपकी प्रेपरेशंस लगातार चलती रहेगी और 10 5 मिनट का टाइम देकर आप रिवीजन बढ़िया बना रहेगा। सो आज का टॉपिक है रैंक, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और रैंक। ये वास्तविकता में रैंक होता क्या है, आइए इस बात पर देखते हैं। जैसे हमने एक वर्ड लिखा राम, अब राम शब्द को यदि हमें अरेंज करना है तो राम में कुल 3 अक्षर हैं और 3 अक्षर का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 3 होता है, इसे 6 प्रकार से कर सकते हैं। राम में कुल 3 अक्षर हैं, 3 अक्षर का हमें जो है फैक्टोरियल 3 6 प्रकार से कर सकते हैं। आप 6 प्रकार से इसमें कर सकते हैं, तो आप समझिएगा कि इसको यदि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाए, ए पहले, बी बाद में, सी पहले, ऐसे डी, तो राम का स्थान क्या होगा, यही रैंक है। राम का स्थान क्या होगा, यही इसकी रैंक है। तो राम शब्द हमें इसको अरेंज करना है तो आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा हमारे पास में कि आर से छोटे कितने अक्षर है, आर से छोटे कितने अक्षर है। आप यहां रखिए, यहां पहला आर है, आर के दाहिनी ओर हमारे पास में कितने अक्षर छोटे हैं, ए और एम दोनों 2 छोटे हैं। छोटे समझते हो ना, ए बी सी डी पढ़िए, जैसे आर आया, अब आर से छोटे कौन कौन से, ए और एम। अब ए पे आइए, ए के दाहिनी ओर छोटे कितने, ए के दाहिनी ओर एम बचा, कोई भी छोटा नहीं है। एम के दाहिनी ओर कौन छोटा है, एम के दाहिनी ओर कोई है ही नहीं। बोलो क्लियर है? अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए आप सभी छात्र ध्यान देंगे, यहां पर 1 2 3 तीन अक्षर हैं, तो शुरुआत आप करिए फैक्टोरियल 0 से, फिर फैक्टोरियल 1 से, फिर फैक्टोरियल 2 आ गया। ऐसा आपको हर क्वेश्चन में करना है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, 2 × 2 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, 0 × फैक्टोरियल 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, 0 × फैक्टोरियल 0। 2 × 2 कितना आ रहा, 4 आ रहा, प्लस 0, यानी यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर टोटल कितना आ गया, 4 आ गया। जो भी आंसर हमारे पास में आ जाए आपको उसमें से एक ऐड करना है। जैसे आप एक ऐड कर देंगे तो राम को अरेंज करेंगे तो अल्फाबेट में उसका स्थान कौन सा आएगा, 5वां आएगा। अब हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल और आपके लिए लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। राम के बाद में हमने ले लिया सीता, राम के बाद में सीता। अब सीता शब्द को अल्फाबेट में अरेंज करिए और उसकी रैंक क्या होगी, रैंक क्या होगी, रैंक मतलब यदि क्रम से हम अल्फाबेट में ए पहले, आई बाद में, फिर टी, इस तरह अरेंज करें तो उसकी रैंक क्या होगी। वैसे तो 1 2 3 4 कुल फैक्टोरियल 4 यानी 24 अरेंजमेंट बनेंगे, लेकिन हम उन 24 अरेंजमेंट को यदि अल्फाबेट में अरेंज करेंगे तो सीता की रैंक क्या होगी। इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको यदि कोर्स पढ़ना है, आपको यदि कोर्स पढ़ना है तो नीचे जो है इसी डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, ऐप का लिंक दे रखा है, उस ऐप का लिंक आप ज्वाइन करिए और आप डेली क्लास कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो सीता को हमें अरेंज करना है, समझिएगा, एस एस को आप रखिए, एस से छोटे कौन कौन से रेंज है, 1 और 2 2 छोटे हैं। एबीसीडी याद रखिए, एस से दाहिनी ओर छोटे कितने हैं, आई है और ए है, टी एस से बड़ा होता है। आई से दाहिनी ओर छोटे कौन से, केवल एक है ए, टी से दाहिनी ओर छोटा कौन सा है, एक है ये, और 0 से छोटा कोई नहीं क्योंकि अंत में 0 बैठा है। आपको शुरुआत करनी है 0 से, फिर इसके बाद रखना है 1, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद में 3।
इसका गुणा करा दें, 2 इंटू में फैक्टोरियल 3 प्लस 1 इंटू में फैक्टोरियल 2 प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल 1 और लास्ट में 0। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, 6 दुना 12 प्लस 2 और 1, 12 दो 14 1 15। आपको हमेशा 1 जोड़ना है, यानी क्वेश्चन में कहने का मतलब यह है कि सीता को अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो सीता का जो स्थान आएगा वो रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा आएगा? 16वां स्थान आएगा। बोलो क्लियर है? इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया मोहन, एम ओ एच ए एन, मोहन। अब एम से दाहिनी ओर छोटे कौन कौन से? ओ हो गया, आप चेक करिए, एच हो गया, ए मेरे हिसाब से तो दो है, क्योंकि ओ एम से बड़ा होता है, एन भी बड़ा होता है। भाई हम लोग पढ़ते हैं ना एम एन ओ, तो एम एन ओ बड़ा होगा, एन बड़ा होगा, और ए और एच, एच एम से छोटे कितने हैं? दो हैं। ओ से छोटे कितने हैं भाई? एच हो गया, ए हो गया और एन, आप देख सकते हो। ओ से छोटे कितने हैं? एम, ये 4 हो गए, सॉरी ओ से छोटे कितने हो गए? 3 हो गए, 3 सॉरी। दाहिनी ओर चेक करते हैं हम लोग, दाहिनी ओर ध्यान रखिएगा, मतलब एम हटा दीजिए, अब ओ सी बारी आई तो छोटे कितने हैं? एच, ये 3 हो गए। एच से छोटे केवल एक है और ए से छोटा कोई है नहीं, एन से छोटा कोई है नहीं। हमें जो भी लेना है उसके दाहिनी ओर बायां कितना छूट रहा है उससे कोई मतलब नहीं। यदि हम एच को काउंट कर रहे हैं तो एच से पहले ओ और एम है, इसको नहीं देखेंगे, हमें आगे बढ़ते रहना, हमें दाहिनी ओर आगे चेक करना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, शुरुआत 0 से करनी है। अब फटाफट 2 इंटू फैक्टोरियल 4, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल 2, अब बाकी छोड़ दीजिए क्यों 0 है, 4 का 24 दुना 48 फैक्टोरियल 3, 3 6 कितना? 18 और 2 कितना आएगा? 18 48 58 68 आ गया। हमेशा आपको 1 जोड़ना है, सो मोहन की रैंक कौन सी होगी? 69वीं आ गई। मोहन की रैंक कौन सी आ गई? 69वीं आ गई। क्लियर है? दैट इज क्लियर। अब आप समझिएगा स्मॉल की रैंक बताइए। तो मेरे प्रिय छात्रों इन तीनों क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप। यहां पर राम में कोई भी अक्षर रिपीट नहीं है, यहाँ पर सीता में कोई भी अक्षर रिपीट नहीं है, यहाँ मोहन में कोई अक्षर रिपीट नहीं है, यहाँ स्मॉल में एल दो बार आया है। तो इसकी रैंक निकालने के लिए हम लोग अगला वीडियो पढ़ेंगे। तो छोटे छोटे वीडियो में हम आपके सारे टॉपिक खत्म कर देंगे। क्लियर है? कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो भी होगा सब फिनिश हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल फिनिश कर देंगे। क्लियर है?